एक दिवसीय अनशन पर बैठ चुके हैं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। जयपुर से आ रही है ये बड़ी खबर। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं। गहलोत सरकार के भ्रष्टाचारों के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। तो सरकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग उठाई है पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने। एक दिवसीय अनशन पर वो बैठ गए हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से उन्हें ऐसा करने से मना किया गया था और अब ये भी बात सामने आ रही है कि कांग्रेस के खिलाफ और पार्टी विरोधी ये फैसला सचिन पायलट ने लिया है। अजय ढेलू हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। अजय, मामला तो यहां पर वसुंधरा राज्य में हुए घोटाले की जांच का है, लेकिन गहलोत सरकार पर भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से निशाना साध दिया है सचिन पायलट ने। उनके निशाने पर गहलोत आ गए हैं, क्या कहेंगे? एक तीर से दो शिकार करने वाली बात यहां पर सामने आ रही है। जी कायनात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अभी सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और जो आज वसुंधरा पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के खिलाफ खनन घोटाले की मामले की जांच को लेकर है, वो गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा है। मैं आपको अवगत करा दूं कि इससे पहले खुद की सरकार के खिलाफ के हैं वो पूरे भारत वर्ष के अंदर दो ही मामले आए। एक आंध्रा के अंदर है, वो 11 सांसदों ने अपनी सरकार के खिलाफ है वो अनशन किया था। उसके बाद है वो 2021 के अंदर पंजाब के अंदर कैप्टन सरकार के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी मांगों को लेकर है वो अनशन पे बैठे थे। जहां तक अपने बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जिस हिसाब से आज अनशन पे बैठ रहे हैं, अभी वो ज्योतिबा फुले की वहां सभा के अंदर मूर्ति को जाकर वो पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद है वो अनशन पे जाएंगे। आज जो सचिन पायलट ने निर्णय लिया है उसके अनुसार वो शाम को 5 बजे तक मौन व्रत रखेंगे। उसके बाद है वो उनकी कोई बयान है वो मीडिया के अंदर आ सकते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी जो राजस्थान का सिनेरियो चल रहा है और अभी राजस्थान के अंदर जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सारी तमाम पार्टियां वो खुद का वजूद साबित करने के अंदर लगी हुई है, तो उसी क्रम के अंदर जो मीडिया के अंदर चीजें आ रही है और जो कयास लोगों के अंदर लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट हैं वो खुद को कहीं ना कहीं साबित करने के अंदर लगे हुए हैं। और इन्होंने जो अभी आरोप लगाए हैं उसके अनुसार जो प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा है वो भी आज है वो जयपुर पहुंचने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा का साफ तौर पर कहना है कि सचिन को यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर उनको कोई सरकार से या किसी टाइप की कोई नाराजगी थी तो उसको टेबल टॉक करके है वो बात करनी चाहिए थी और ये चीजें जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। तो अजय, क्या ये कहा जाए कि जो फैसला यहाँ पर सचिन पायलट ने लिया है और जिस घोटाले की जांच की वो बात कर रहे हैं, इस बारे में उन्होंने पहले पार्टी के किसी नेता से कोई बात नहीं की और ये जो फैसला उन्होंने लिया है बिना किसी की जानकारी के ये फैसला लिया? जी, जैसी सूचना आ रही है उस अनुसार कायनात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अभी है वो कल ही बोला है कि इस चीज के बारे में सचिन पायलट ने हमसे कोई बात नहीं की। अगर ये बात करते तो हम उसके ऊपर है वो चर्चा कर सकते थे, परंतु है वो सचिन पायलट ने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और है वो ये आज है वो अनशन का निर्णय लिया है। और जहां तक आलाकमान की बात करें तो आलाकमान है वो अभी इस मामले को लेकर कोई भी है वो मीडिया से रूबरू नहीं हुए हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह सचिन पायलट का जो निर्णय है वह भाजपा के खिलाफ होने के साथ साथ यह खुद की गहलोत सरकार के खिलाफ भी उन्होंने वो लिया था। लेकिन एक चीज मैं आपको कायनात कहना चाहूंगा कि लोगों के ये भी कयास है कि अगर सचिन पायलट पहले की जांचें करवाने के लिए गहलोत सरकार को मजबूर कर रहे हैं तो पहले भी तो वो राजस्थान के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, खुद विधायक रह चुके हैं, तो आज तक है उन्होंने ये बात विधानसभा के अंदर क्यों नहीं उठाई है? जब वो विधानसभा में थे तो इस मुद्दे को उठा सकते थे, परंतु है वो अभी जो आगे चुनाव आने वाला है उसको देखते हुए यह है जो एक उनका कदम बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं है वो सचिन पायलट है वो। चलिए, तो एक दिवसीय अनशन शुरू कर दिया है सचिन पायलट ने और देखने वाली बात यही रहेगी कि इस अनशन के खत्म होने तक जो है पूरी ये कहानी जो है क्या नया मोड़ लेती है। बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। रुकते एक